आज हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का श्री गणेश किया गया है। ये सारे प्रदेश में कुछ कुछ खेलें बांटी गई हैं। अम्बाला के लिए महिलाओं का फुटबॉल, जिमनास्टिक और तैराकी, तीन खेल सारे स्टेट के यहाँ होंगे। सारे प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ियों की टीमें आई हैं, इनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अच्छा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिमनास्टिक हॉल बना के दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना कर दिया है और फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम है। ये तीनों चीज़ें हरियाणा में और कहीं नहीं हैं, शायद उत्तरी भारत में ही नहीं हैं, वो हमने अम्बाला में ही बना के दिए ताकि खिलाड़ियों को क्लास वन सुविधाएं मिल सकें। और पूरी उम्मीद है कि ना केवल अम्बाला के, सारे हरियाणा के खिलाड़ी इन सुविधाओं से फ़ायदा उठाएंगे। नहीं बिल्कुल, वो हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। हम ये सुविधाएं यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं, वो जो शूटिंग रेंज से गया है वो भी मैंने ही बनवा कर दी थी और मैं चाहता हूँ कि अम्बाला के बच्चे ओलंपिक में जाकर वहाँ पर अम्बाले का डंका बजाएं। खेल विभाग हरियाणा के द्वारा आज जो 26 जुलाई 2024 को खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन करवाया गया, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है जो कि 26 जुलाई को कराया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 24 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमारे 117 खिलाड़ी जो हैं भारत देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें 25 खिलाड़ी जो है हरियाणा राज्य के हैं। और कल ही हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सरबजोत के घर पे जाकर 5 किलो घी का टीन के साथ एक पत्र दिया गया है कि